जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने फल मंडी से लेकर अमरूद मंडी तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर खाली करवाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि मंडी के प्रवेश द्वार व टीपी नगर में जो लोग सड़क पर वाहन खड़ा करके अतिक्रमण कर रहे हैं या जिनके पास स्मार्ट नंबर प्लेट नहीं है, नियमों का उल्लंघन करके रोड को जाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन आरटीओ की संयुक्त टीम के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, दोबारा अतिक्रमण करने वाले दुकान मालिकों व ट्रांसपोर्ट मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि टीपी नगर के ट्रांसपोर्टरों को गीडा में शिफ्ट करने के लिए आदेश जारी किया गया है तथा गीडा से सर्वे भी करा लिया गया है, जिसको देखते हुए सभी ट्रांसपोर्टरों व व्यापारियों से वार्ता की जा चुकी है और उन्हें अपने गोदाम को शिफ्ट करने के लिए पहले ही कहा जा चुका है, जिसके लिए पहले से ही मीडिया के माध्यम से सभी व्यापारियों को बताया जा चुका है, जिसको देखते हुए सड़क पर हुए अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर आरटीओ अनीता सिंह, सीओ ट्रैफिक जगत राम कन्नौजिया, फल मंडी चौकी प्रभारी प्रधान यादव, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार मिश्रा, नगर निगम प्रवर्तन दल के कर्नल सीपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, साइकिल बढ़ाओ आगे, साइकिल हटिए भाई, डंडा लगाइए रोड पे। अंदर करो, आपका जो रोजगार है अंदर करो ना, आप पब्लिक को तंग कर रहे हो। नहीं, पब्लिक को तंग नहीं करो, पब्लिक को तंग करोगे फिर हम तुम्हें तंग करेंगे। इसका भी कर दो 500, किलो बराबर होता है। एक आदमी एक गाड़ी वही में साफ देनी जी जी सर, एकदम रोड के किनारे अभी बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी नहीं हटा रहा है। चलो हटाओ, बार बार बताने के बावजूद भी आपके द्वारा ये हटाया नहीं जा रहा है। एल्युमिनियम का होलसेल थी सर, पूरे शहर में करते हैं उसी वाले की तक करो, एक ही वाले होलसेल। देखिए, मंडी के प्रवेश का द्वार और ट्रांसपोर्ट नगर में जिन लोगों ने सड़क पे वाहन खड़ा करके अतिक्रमण कर रहे हैं या जिनके पास स्मार्ट नंबर प्लेट नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट का वायोलेशन करके जो लोग भी रोड को जाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन आरटीओ की संयुक्त टीम के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। दोबारा अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ पुनः सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
और उनके खिलाफ जो अन्य बंद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ट्रांसपोर्ट नगर जो है उसको गीडा में मैक्सिमम अलॉटमेंट यहाँ के व्यापारियों का हो चुका है। इस संबंध में गीडा सर्वे भी करा दिया गया है, तो इस संबंध में व्यापारियों से वार्ता हो चुकी थी और उनको शिफ्टिंग के लिए पहले ही बोल दिया गया था और पेपर विज्ञप्ति भी निकाल दी गई थी। तो उसी की यहाँ पे आज एक जाँच और एक सघन अभियान चल रहा है जिसमें ट्रैफिक पुलिस के लोग और पुलिस और मजिस्ट्रेट्स और इसके अलावा आरटीओ के जो अधिकारी हैं और नगर निगम की टीम जो है सब मिल के यह चेक कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की पूरी शिफ्टिंग हो गई कि नहीं हो गई है। अब ट्रांसपोर्ट नगर जो है पूरी तरह से गीडा संचालित होगा और इसके अलावा कोई भी ट्रांसपोर्टर जो दोनों जगह से कारोबार करेगा मतलब गीडा और पुराने ट्रांसपोर्ट नगर से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के लिए एक वृहद अभियान चल रहा है और इस अभियान में जो जो इसमें गलत पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ नियमित कार्रवाई की जा रही है।